केंद्र की भाजपा नीत एनडीए सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने विश्वासघात दिवस मनाया। कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा नीत एनडीए और राज्य की वसुंधरा सरकार पर तीखा हमला बोला। केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने शनिवार को कहा कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। सरकार महंगाई कम करने के वादे कर सत्ता में आई थी, लेकिन सरकार बनते ही अपना वादा भूल गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के साथ विश्वासघात किया है। देश के किसानों से किया वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। भाजपा ने लागत से 50% ज्यादा मुनाफे का वादा किया था, लेकिन किसानों को अभी तक सही मूल्य भी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि दलित के घर खाना खाना भाजपा का दिखावा है। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार भाजपा सरकार में हुए, वहीं भाजपा नेता दलितों के घर खाना खाते हैं। पायलट ने कहा कि सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। 4 साल में 8 करोड़ की बजाय महज 20 लाख से कम रोजगार मिल पाए हैं। देश में हालात बने हुए हैं साथियों, मोदी जी की सरकार ने जो धोखा दिया देश के साथ वो हम सब जानते हैं, लेकिन वसुंधरा जी की सरकार ने राजस्थान में मुझे लगता है उन्होंने पिछाड़ दिया है। 4.5 साल आज वसुंधरा जी की सरकार को हो गई। मैं कल धारावाड़ में था, वहां लसन के किसानों ने लगातार आत्महत्या का भयानक क्रम टूट नहीं रहा। अटूट क्षेत्र में एक और किसान ने अपनी जान ली। कृषि मंत्री मुख्यमंत्री दोनों उसी समाज से आते हैं। ये समझ से परे है कि वो किसान जहर खा रहे हैं, फांसी ले रहे हैं, लेकिन सरकार के सर पर जू नहीं रहेंगे। एक सांत्वना का शब्द किसी सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से निकला नहीं।